Hi, this is Amir, your English speaking trainer, and I'm back with another video. Today in this video, I'm going to share more 10 sentences that are used in our daily life. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला सेंटेंस है इस ओर एक मकान था इस ओर एक मकान था इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे There was a house on the side. There was a house on the side. अगला सेंटेंस हम देखेंगे अगला सेंटेंस है सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे सड़क के दोनों ओर पेड़ थे इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे There were trees on both sides of the road. There were trees on both the sides of the road. चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है इन इंग्लिश ही who digs a ditch for other falls in it himself he who digs a ditch for other falls in it himself to chaliye ab agla sentence dekh lete hain agla sentence hai imandari ek bada gun hai imandari ek bada gun hai ise hum english mein kaise banayenge to ise hum english mein banayenge honesty is a great quality honesty is a great quality चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं सेंटेंस है यहां से स्टेशन बहुत दूर नहीं है यहां से स्टेशन बहुत दूर नहीं है इन इंग्लिश द स्टेशन इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर द स्टेशन इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर अगला सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है पहले देखूं भी तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश में बनाएंगे लेट मी हैव अ लुक फर्स्ट लेट मी हैव अ लुक फर्स्ट तो चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है मैच चार बजे से होगा इन इंग्लिश द मैच विल स्टार्ट एट फोर द मैच विल स्टार्ट एट फोर अगला सेंटेंस है यह गाड़ी एक लीटर में 10 किलोमीटर चलती है यह गाड़ी एक लीटर में 10 किलोमीटर चलती है इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे दिस कार रन्स 10 किलोमीटर पर लीटर दिस कार रन्स 10 किलोमीटर पर लीटर अगला सेंटेंस है शराब पीने से हानि होती है या फिर हम लोग बोलते हैं शराब पीना हानिकारक है इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे ड्रिंकिंग इज हार्मफुल ड्रिंकिंग इज हार्मफुल तो सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है गाड़ी समय से पहले आई इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे द ट्रेन केम बिफोर टाइम अगला सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है रात्रि में अंधकार रहता है या फिर आप इसे कह सकते हैं रात्रि में अंधेरा रहता है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इट इज डार्क एट नाइट इट इज डार्क एट नाइट तो ये थे आज के कुछ नए 10 सेंटेंसेस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये सेंटेंसेस पसंद आए होंगे अगर आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ऐसे थोड़े थोड़े सेंटेंसेस करके हम आराम से इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर